the state of knowledge, exist. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पीरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शेडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर और इस समय हम उसके डिस्कशन के इस बिंदु पर हैं जहां पर कि हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए और एजुकेशनल ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया था कि क्लासिफिकेशन का एक हमारा खास पर्पस है कि ऐसे लोगों की एजुकेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इनको मोटिवेट किया जाए फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए हमको इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोगों की स्टेटस किस तरह से है जिससे कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है, हमसे कांटेक्ट करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 पर, हमारा फोन नंबर 0112651113 और हमारा फैक्स नंबर 0112651609, हमारी ईमेल आईडी rehabstudy
@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशंस में कि देयर इज मेडिकल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नीड बेस्ड या नीड फॉर सपोर्ट। ये नीड फॉर सपोर्ट, जैसे कि हम नाम से विदित है कि कितना सपोर्ट, कितना डिग्री ऑफ सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उस बेस पे द क्लासिफिकेशन इज डन। इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव एंड परवेसिव। इंटरमिटेंट, जैसे कि नाम बता रहा है कि एक रेगुलर, एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की या लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। बीच बीच में यदि मान लीजिए कहीं बच्चे को शिक्षा, कोई मेडिकल इंजरी आ गई बच्चे के अंदर और उसके लिए ट्रीटमेंट कराना है, सो दैट इज इंटरमिटेंट। इंटरवेंशन किया एंड द थिंग स्टॉप्स, दैट इज इंटरमिटेंट, जिसमें बच्चा बहुत अधिक डिपेंड नहीं करता दूसरे के ऊपर ट्रेनिंग के लिए। देन कम्स लिमिटेड, जिसमें थोड़ा बहुत सुपरविजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि घर पे भी बच्चा रह सकता है और स्कूल में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी एक केयर की, एक सुपरविजन की उसे आवश्यकता है अपने कुछ कार्यों को करने के लिए। फिर आता है एक्सटेंसिव, जिसमें एक थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए उसको आवश्यकता है। मान लीजिए वो सुबह आ गए, बच्चा स्कूल में आया और शाम तक उसके साथ वहां पर अंडर सुपरविजन काम किया गया, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव सपोर्ट। देन कम्स परवेसिव। परवेसिव, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन होता है, जिनको लाइफ लॉन्ग सुपरविजन की, केयर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इसमें भी काफी लंबे अरसे तक दे नीड सपोर्ट, बिना सपोर्ट के वो अपना कार्य नहीं स्वयं कर सकते हैं। तो हम इस तरह से हमने चार विभिन्न प्रकार की क्लासिफिकेशंस देख ली, जो हमने अभी डिस्कस किया, मेडिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल और नीड सपोर्ट के बेसिस पे, जो डिग्री ऑफ सपोर्ट के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो देख लिया। एक चीज को थोड़ा सा यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि चूंकि कुछ ऐसी अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनमें कि एमआर से मिलते जुलते लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, तो क्या हम कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मार्क ऐसे हम देख सकते हैं जिससे कि हम ऐसे बच्चों को सेपरेट कर सकें कि इनकी कैटेगरी यही है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जब बच्चा छोटा होता है तो यदि वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में है तो उसको और की तुलना में समझ पाना और वाकई प्रॉब्लम मानसिक मंदता की है या उसको कोई और एसोसिएटेड कंडीशन है या कोई लर्निंग डिफिकल्टी है या विजन प्रॉब्लम है या वो सुचारू रूप से कॉपी करने में सक्षम नहीं है या हाथ में कोई परेशानी है, उन सब चीजों से उसको अलग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके लिए देयर आर स्टैंडर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन इनके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, अपीयरेंस जो कि आम लोगों से थोड़ी सी हटके होती है। जैसे कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये एक कॉमन फेस है जो मेंटल रिटार्डेशन में आप डाउन सिंड्रोम, जिसकी अभी हमने 21st क्रोमोसोम में ट्रिप्लिकेशन होता है उसकी बात की, ये वो पिक्यूलियर फेस है, ये कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। फिजिकल अपीयरेंस ऐसे बच्चों का कुछ थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से हट करके होता है, उसको देखने से हम समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, उनकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है कि आप उनको आमतौर पे आम लोगों से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। मुंह खुला रहेगा या उनकी आईज, स्लैंटिंग आईज होंगी या प्रोट्रूडिंग टंग होगी या मतलब चबी, थोड़ा चबी होते हैं, सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर स्टूडेंट्स विद मेंटल रिटार्डेशन। देन कम्स डिलेड माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स ये एक दूसरा ऐसा आइडेंटिफिकेशन का पैरामीटर है। चित्र में साफ दिखा रहे हैं कि बच्चा जब स्टार्ट करता है तो वो क्रॉल करता है, धीरे धीरे वो सीटिंग पोजीशन में आता है, उसके बाद द चाइल्ड ट्राइज टू स्टैंड एंड देन द चाइल्ड ट्राइज टू टेक फ्यू स्टेप्स, फिर वो पूरी तरह से कुछ एक स्टेप्स लेता है, भागता है, दौड़ता है, जंप करता है।
तो ये एक फिजिकल पैरामीटर्स हैं माइलस्टोन्स के. इसके अलावा यदि हम और देखें तो बात करने में ये लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी स्टेजेस के थ्रू होता है. जब बच्चा पैदा होता है तो वो कूइंग और गर्गलिंग, जैसे कूज और गर्गल्स ज्यादा बच्चे में देखे जाते हैं. थोड़ा और बड़ा होता है तो उसमें बाबा बाबा पापा पापा इस तरह के जो बैबलिंग जिसे हम कहते हैं वो मानी पाई जाती है. देन कम्स सिंगल वर्ड्स आते हैं, सिंगल वर्ड्स में पापा मम्मा ये सीखता है. धीरे धीरे वो फ्रेज लेवल तक जाता है, दो शब्दों को कंबाइन करके बोलना सीखता है, उनका अर्थ सीखता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करता है और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लेवल पर वो जाता है. तो इस तरह से हर एक डेवलपमेंट, इसी प्रकार से मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सारे डेवलपमेंट्स एक एक पैटर्न में होते हैं, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. इनमें ये देखा गया है कि जो एक नॉर्मल बच्चे का जो डेवलपमेंटल पैटर्न होता है उससे इनमें डिले होता है. हो सकता है एक आम बच्चा 3 महीने में अपने सिर को संभाल सकता है, तो चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन में टेक अ लिटिल लॉन्गर देन दैट. हो सकता है उसको सिर में संभालने की ज्यादा दिन लग जाए और वो भी उसमें थेरेप्यूटिक इनपुट की आवश्यकता हो अपने सिर को प्रॉपर तरह से संभालने के लिए या बैठने के लिए. लगभग 3 से 4 महीने तक बच्चा, 6 महीने तक एट द मोस्ट बच्चा बैठना सीख जाता है थोड़ा सा सपोर्ट के साथ. तो हो सकता है दे मे टेक एन ईयर टू सिट. तो ये चीजें थोड़ी सी लेट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर पैरामीटर्स आर दे हैव इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज. इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जीवन में हम जो भी कार्य जुड़ा हुआ करते हैं जो हमारे इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ होता है दैट नीड्स कॉग्निशन. तो इनका जो सब एवरेज इंटेलिजेंस है उसके वजह से इनका इम्पेयरमेंट होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज में. देन दे हैव पुअर मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट भी इनका पुअर है, जैसे मैंने अभी डिटेल में स्टेजेस आपके साथ डिस्कस किए कि वो एक स्टेजेस है जिसके बाद दूसरा पैटर्न आता है और उसको हम एक क्रॉलिंग के सीधे बाद बच्चा खड़ा होना नहीं सीख जाएगा. सो देयर इज अ सेट पैटर्न जिसके थ्रू उसको आगे चलना पड़ेगा. सो मोटर डेवलपमेंट पुअर होता है. फाइन मोटर, मोटर में 2 तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं. दैट इज फाइन मोटर जो हमारे फिंगर मूवमेंट्स, फिंगर पेस्टिंग, उसको जिसमें ग्रास्प्स आती हैं तरह तरह की, जो हम किसी चीज को उठाने में पाम ग्रास्प है, पिंसर ग्रास्प है, ट्राइपॉड ग्रास्प है. ये जो पेन हम पकड़ते हैं उसमें एक ट्राइपॉड ग्रास्प की आवश्यकता होती है. तो दैट इज एक्चुअली पुअर. देन डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है. दैट इज वॉट, अगर एक बच्चा आम जो पैदा होते ही कूज एंड गर्गल्स करता है या बैबलिंग अपने समय पर शुरू कर देता है 3 से 4 महीने पे, हो सकता है कि अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन में टेक मोर टू इवन बैबल, या उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़े बैबलिंग के लिए भी, या कुछ भी वर्ड सिखाने के लिए, या कोई भी साउंड सिखाने के लिए, साउंड डिस्क्रिमिनेशन के लिए. इनएडिक्वेट सोशल स्किल्स होते हैं क्योंकि हम मैन एज अ सोशल एनिमल, हम ये सब जानते हैं. हम आधी से ज्यादा सोशल स्किल्स को सीखते हैं जब हम अपने आसपास के समाज को देखते हैं और वहां से हमें समझ में आता है ये कार्य. अगर एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमें मिलता है तो हमें लगता है ये कार्य अच्छा है. छोटा बच्चा है, यदि वो एक बहुत अच्छा कार्य करता है और पेरेंट्स से उसको एक पैट मिलता है बैक पे, देन द चाइल्ड अंडरस्टैंड दिस इज अ गुड वर्क. और यदि उसको उस बात पे डांट मिलती है तो उसको लगता है कि ये सही कार्य नहीं है. तो कहां से पिकअप करता है वो? अपने आसपास के एनवायरमेंट से. और जब वो अपने आप से अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल करके उनको यूज करता है. बट हियर द चाइल्ड इज ऑलरेडी इम्पेयर्ड इन कॉग्निटिव एबिलिटीज बिकॉज ऑफ सब एबनॉर्मल इंटेलिजेंस. इस वजह से उसकी सोशल स्किल्स भी अफेक्टेड रहती हैं. लैक ऑफ सेल्फ केयर या डेली लिविंग स्किल्स, हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है तो माता पिता उसको उसके दैनिक जीवन के कार्य क्रियाकलापों के लिए खाना पीना इंडिपेंडेंट धीरे धीरे करना शुरू हो जाते हैं. लेकिन ये अपने एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो उनकी होती हैं उसमें भी दे लैग बिहाइंड द अदर चिल्ड्रन, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद ट्रेनिंग. देन लैक ऑफ सेल्फ डायरेक्शन. लैक ऑफ सेल्फ डायरेक्शन से अर्थ है कि यदि हमारे पास समय है या हम कोई चीज आगे के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी एक प्लान बनाते हैं, हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है. या बच्चे यदि हम बच्चों की बात करें स्कूलों में जो जाते हैं तो उनके पास एक पर्पस है.
हालांकि अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन नीड्स टू बी गिवन इनपुट अबाउट, उसको इनपुट की आवश्यकता होती है कि नेक्स्ट व्हाट, और अदरवाइज अगर वो एंगेज भी रहते हैं तो थोड़ी पर्पजलेस एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं जो मीनिंगफुल उतने नहीं होती हैं। देन इनएडिक्वेट हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स, उनको हेल्थ और सेफ्टी स्किल्स भी इनएडिक्वेट होती है क्योंकि उनको समझ नहीं है कि ऐसे करने से इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो गर्म चीजों को छू लेना है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हाथ डाल देना है, ये उनको नहीं मालूम, और हो सकता है कि यदि वो हायर फंक्शनिंग ग्रुप में आता है तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीख ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख पाता है और उसको ट्रेन करना पड़ता है इवन फॉर दीज कॉमन डेंजर्स। और यदि चोट लग गई तो उसका सिंपल फर्स्ट एड क्या होता है या हमें किस प्रकार के उसके लिए स्टेप्स करने होते हैं, दैट नीड्स टू बी टॉट। सो दे डू नॉट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्किल्स या उन्हें किस प्रकार से स्वयं का बचाव करना है, उन कौशलों का विकास आवश्यक होता है। दे लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इसलिए लैक करते हैं क्योंकि जीवन में हम पढ़ाई करते हैं कि हम आगे चल के अच्छे नंबर्स लेके पास होंगे, हमें अच्छी एक नौकरी मिलेगी, बच्चों को आगे पढ़ना होता है जिससे कि उनके आगे का जीवन सुचारू रूप से चले, वो एक अच्छे जॉब में आए, एक अच्छी पोजीशन पे आए, डेजिग्नेशन अच्छी हो। फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन ये कठिन होता है क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं पाना, मतलब आसान नहीं होता उनके लिए कि आगे क्या जीवन में आगे वो क्या करेंगे, दैट प्लानिंग इज नॉट देयर इन देम। दैट इज व्हाई कोई भी कार्य करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दे लैक, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है दैट इज बीन टोल्ड बाय द केयर टेकर, टीचर्स, पेरेंट्स, ये अब करना है, ये अब करना है, तो थोड़ा सा चॉइस देने की बात आती है, उनको भी मौका देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है। दे लैक बिहाइंड, दे लैक मोटिवेशन बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आगे के लिए एक एम सुनिश्चित नहीं है, ना उस चीज को वो बना पाते हैं। डिफिकल्टी इन लीजर एंड वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, लीजर या वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज में भी परेशानी इसलिए रहती है कि खाली समय है, अगर हमारा अपना इंटरेस्ट है तो बच्चा ड्राइंग करता है, कॉमिक्स पढ़ता है, टेलीविजन देखता है, डांस, ड्रामा, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है वो करने में सक्षम रहता है। लेकिन यदि लीजर टाइम है तो हाउ डू दे हैव टू पास देयर टाइम, या अपने टाइम को किस तरह मीनिंगफुल एक्टिविटीज में उन्हें यूटिलाइज करना है, दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट विद द चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। और ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक क्षमता की वजह से ही होता है, जहां पर कि वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्लान नहीं बना पाते हैं, या अपने इस तरह के एंटरटेनिंग टाइम को किस तरह से बेटर ढंग से यूटिलाइज कर सके, किस तरह से उसको प्रोडक्टिव बनाएं, या अपने ज्यादा मेंटल हेल्थ को और ज्यादा ग्रो करने के लिए यूज करें, ये उनकी अक्षमता जो है यहाँ पर सामने आती है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं, देयर आर सिक्स सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें जो हमने पहले डिस्कस किया उसको थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में हम बता रहे हैं। यहाँ पे मेन एरियाज जो है वो है ग्रॉस मोटर, देन फाइन मोटर, देन कॉग्निटिव, देन लैंग्वेज, देन सेल्फ केयर, इमोशनल एंड सोशल। किसी भी व्यक्ति के एक कंप्लीट विकास के लिए ये छह एरियाज बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखते हैं उसके जीवन पर। हम इनके बट विद चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम दैट दे मे सिट अप, क्रॉल और वॉक लेटर देन अदर चिल्ड्रन। ये आपका ग्रॉस मोटर के एरिया में आ जाता है, दैट इज लैकिंग बिहाइंड। दे लर्न टू टॉक लेटर और हैव ट्रबल स्पीकिंग, ये दिस कम्स अंडर द लैंग्वेज एरिया। ये या तो देर से बोलना सीखते हैं या बोलने में ही इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फाइंड इट हार्ड टू रिमेम्बर थिंग्स, उनको किसी भी चीज को याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनको रिपीटेटिव ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जिसमें रोज उन्हीं चीजों को दोहराया जाए, क्योंकि रिमेम्बरेंस या रिटेन करना इंफॉर्मेशन को दे हैव डिफिकल्टी इन। This comes under the cognitive domain, which we are highlighting on the right hand side. Then comes, no, they do not understand how to pay for things. मतलब financial aspects का उनको ज्ञान नहीं है, और किसी भी चीज को जो उन्होंने खरीदा उसके लिए उनको payment देनी है या लेनी है, कितना वापस लेना है, पैसा कितना वापस लेना है, monetary transaction is very difficult. This again is coming under the cognitive domain.
Then they have trouble understanding social rules. Social rules, social emotional domain के अंदर में आता है क्योंकि उनको नियम नहीं पता. As I discussed earlier, कि हम अधिकतर समय में सीखते हैं जब हम अपने आसपास के समाज में देखते हैं कि क्या acceptable है और क्या unacceptable है. तो उसके आधार पे ही हम अपने आगे का व्यवहार decide करते हैं और समझ के करते हैं, which is lacking behind in these children. They have trouble seeing the consequences of their actions. हमें पता है कि ये करने से अभी ये होने वाला है, या यदि मैं क्लास में उठ के शोर मचाऊंगा तो टीचर मुझ पर नाराज होगी या मुझे क्लास से बाहर निकाल देगी. फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, ये डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये बहुत ही कठिन हो जाता है. और इसी वजह से ज्यादा तौर पे इनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं. दिस बिकम्स कॉमन इन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन. देन कम्स दे हैव ट्रबल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. यदि मान लीजिए उन्हें अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है, अभी बस छूट गई है तो फिर अभी नेक्स्ट क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही आसानी से हमारे आपके दिमाग में आ जाते हैं ना, बस छूट गई या तो दूसरी बस लेनी है या घर वापस जाना है. यदि मुझे स्कूल की बस पिकअप करनी है, आई हैव टू रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, देन फाइंड अ वे टू रीच द स्कूल. बट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ दे आर चलते चलते चप्पल टूट गई, what will be our reaction in the child with mental retardation may find it really difficult to work out the solution to this problem. Ya barish achanak aa gayi hai, chhata hote hue bhi chhate ko khol ke abhi lagana hai, ye understanding bhi it has to be imbibed in the child when we are giving them training. So these are the areas which need a special emphasis. Then they have trouble thinking logically. लॉजिकल वे में किसी भी प्रकार को सोच पाना या इसका कॉन्सिक्वेंस या इसके बाद नेक्स्ट क्या, लॉजिकल स्टेप्स में सोच पाना किसी भी चीज को इनके लिए कठिन होता है. और ये जो हमने डिस्कस किया वो मेन इससे इस पे चलने से पहले हम उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की भी यदि बात करें, बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स मेनली देर आर थ्री kinds of characteristics जिसको हम divide करते हैं for children with intellectual disabilities. They are divided into three categories. The first one is the physical characteristics. जो हमने पहले जितने भी characteristics discuss किए उनको तीन मुख्य भागों में divide किया गया है. One is physical, जो कि ऊपर तौर से देख के समझा जा सकता है. Second is mental और cognitive characteristics. Then the behavioral characteristics. We can understand this concept with the following. अभी तक हमने जितनी भी बात की, हम ये एक short एक story कह लीजिए या एक छोटा सा example कह लीजिए, हमने mental retardation के बारे में जो बात की, हमने उनके classification के बारे में बात की, हमने उनके level के बारे में बात की और वो किस प्रकार का उनका daily routine में उनका क्रियाकलाप होता है उसके बारे में बात की, तो उसको हम इस example से भली भांति समझ सकते हैं. विष्णु इज अ बॉय हु इज 20 इयर्स ओल्ड. सिंस चाइल्डहुड ही हैज रिमेन्ड एट होम बिकॉज ही नीड्स हेल्प फॉर बेदिंग एंड ड्रेसिंग. ही वंडर्स विद इन द विलेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न्स होम ऑन हिज ओन. समटाइम्स he gets lost and is brought home by any villager who sees him. He does not speak except for a few words and smiles at people when they try to speak to him. He loses the money given to him. Occasionally he has fits. His right arm and leg are little stiff and drags his leg as he walks. इसके आधार पे यदि हम अब समझें विष्णु के बारे में तो हम देख सकते हैं कि he had no exposure to schooling. उसको schooling का कोई exposure नहीं है. Depends on others for his daily routine course.
वो डेली रूटीन कोर्स के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है एज वी डिस्कस्ड इन द एग्जांपल फॉर बेदिंग. ही रोम्स अराउंड विदाउट एनी पर्पस, पर्पसफुलनेस नहीं है, वो ऐसे ही गांव में घूमता रहता है. ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज होम, वो अपने घर को पहचान नहीं पाता है, तभी उसको कई बार विलेजर्स को छोड़ने आना पड़ता है. स्पीक्स ओनली फ्यू वर्ड्स, कुछ ही वर्ड्स को बोलता है, और डज नॉट मेंटेन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, यदि आप उससे बातचीत करें तो आप जो पूछ रहे हैं उसी का सही जवाब दे पाए, इसमें वो समर्थ नहीं है. नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड एक्सरसाइजेस, और उसको थेरेपीज की या मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि वो चलते समय ड्रैग करता है अपने फीट को. तो हम इन चीजों को जब देखते हैं तो हम पहले किया हुआ डिस्कशन बेसिकली उन चीजों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं जो हमने प्रीवियस इस प्रोग्राम में प्रीवियसली डिस्कस किया. यहाँ पर खास करके आपने जो बताया कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कि एक कॉमन आईक्यू वाली यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अपने ही घर पे वापस न लौट पाना, या आपने एक एग्जांपल के थ्रू जो बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पर कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या है. वो एक सामान्य बच्चा होता है कि अगर बस स्कूल बस मिस कर जाती है तो उसको पता रहता है कि चलिए कोई बात नहीं, हम ऑटो रिक्शा करके चले जाते हैं, या अपने फादर को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो अपनी आकर के बाइक से या कार से हमको स्कूल तक छोड़ देते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम हमारे ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही है कि जो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा एक हम स्टैंडर्ड के रूप में उस चीज को हम देख सकते हैं कि इनके फिजिकल अपीयरेंस जो है कुछ नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंट होती है. उनके जो कॉमन बिहेवियर्स होते हैं जैसा कि उन्होंने एक एग्जांपल लेकर के बताया, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं जो ऐसे छात्र जो होते हैं उनको प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं डालते हैं. अब इस तरह से कौन से अदर इन फैक्टर्स हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी हो सकता है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद. Thank you.
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके किस तरह से हम ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिससे कि उनके लिए एक अच्छे प्रोग्राम को बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। नोट करिए हमारे नंबर जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 112008, हमारा फोन नंबर 01125111613 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। हमारी ईमेल आईडी rehabstudy@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी इसके पहले हमने बहुत कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है कि डिफरेंट तरीके से हम ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसी के इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम किस तरह से समझ सकते हैं जी? हमने बात की तीन मुख्य प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें कि फिजिकल आते हैं, देन मेंटल आते हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल आते हैं। वील डिस्कस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल में जैसे कि है कि अपीयरेंस के आधार पे ये इनकी फीचर्स विदित होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोसेफली आते हैं। हाइड्रोसेफली, इसमें सिर बड़ा होता है। माइक्रोसेफली, छोटा सर, माइक्रो मतलब छोटा, सिर छोटा होता है बच्चे का, बालक का। थिक फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स काफी छब्बी होती हैं, थिक होती हैं। आंखें मून शेप्ड होती हैं, मून शेप्ड आईज, स्लैंटिंग आईज, शॉर्ट नोज, ओपन माउथ, हॉर्स वॉइस होती है, आवाज में एक हॉर्सनेस होती है, भारीपन, थोड़ा सा हॉर्स वॉइस होती है। शॉर्ट एंड स्टाउट इन नेचर, और इनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, थोड़े से भरे हुए शरीर के स्टाउट होते हैं। देन मेंटल या कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें तो बच्चों में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। एक ही कार्य को बहुत देर तक वो कर पाने में समर्थ नहीं होते, थोड़ा सा उन्हें चेंज चाहिए। बहुत देर, यदि एक एक्टिविटी को पूरा होने में आधा घंटा लग रहा है तो आधे घंटे तक वो एक एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। दे हैव पुअर मेमोरी, मेमोरी पुअर होती है इनकी, तो इसलिए रिटेन नहीं कर पाते हैं किसी भी उसके स्टेप्स को रिटेन नहीं कर पाते हैं। इनमें आर्टिकुलेशन एरर्स होती हैं। आर्टिकुलेशन मतलब बोलने में वॉइस साउंड गलत प्रकार से भी आर्टिकुलेट कर सकते हैं ये, किसी को रा को ल बोल देंगे, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वगैरह काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। देन कम्स लैक इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, पुअर एट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में इनको कठिनाई होती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिनमें कि सीधा हमने हमें जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, खट्टा 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 क्या है। नाउ द चाइल्ड मे टेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज खट्टा। या सपोज हम बात करते हैं कि भाई संडे क्या होता है या हॉलीडेज क्या होती है, तो वो उसको रिलेट करता है बच्चा किसी सिंपल चीज के साथ कि जिस दिन सभी लोग घर पे होते हैं, जिस दिन सभी लोग ये मूवी आती है या चित्रहार आता है, किसी एक प्रोग्राम के साथ रिलेट कर देगा और तब समझ पाएगा कि क्या संडे है। बट पिटी, पिटी क्या है, दया क्या है, या फ्रेंडशिप क्या है, या इमोशंस को, या इन चीजों को जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जरूरत है, कुछ हमें उसमें कॉग्निशन का इस्तेमाल करने पड़ेगा, उसमें उसको समझने में कठिनाई होती है। इसके अलावा दे आर बिहाइंड देयर नॉर्मल पीयर्स। अपने जो आम एक बच्चा स्कूल में दाखिला 4 साल में पा जाता है, 4 साल में दाखिला मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी रेगुलर स्कूल्स में दाखिला मिलना उतना ही मुश्किल है, और स्पेशल स्कूल्स तक भी यदि बच्चा पहुंच पाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में भी कंडीशन को लेके, और वो सही जगह नहीं पहुंच पाते। यदि अवेयरनेस है भी तो सबसे पहले यदि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो माता पिता डॉक्टर्स के पास भागते हैं। डॉक्टर्स कई बार उनको यदि सही इंटरवेंशन या सही रिकमेंडेशन नहीं दे पाते कि उनको कहाँ फर्दर कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए, क्या सही जगह होगी उनकी,
देन द पेरेंट्स कम वेरी लेट टू स्कूल, तो वो अपने आम पियर्स से, चाहे आप एकेडमिक स्किल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप सोशल स्किल्स की बात कर लीजिए, वो काफी पीछे रहते हैं. देन दे आर पुअर इन हायर इंटेलेक्चुअल एक्ट्स. पुअर इन हायर इंटेलेक्चुअल एक्ट्स यदि हम समझना चाहें तो इट इज लाइक यदि हमें आगे के लिए, यदि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको आगे के लिए पढ़ाई करनी है क्योंकि नंबर्स अच्छे लाने हैं उनको और आगे चल के एक बड़ा आदमी बनना है. नाउ दे डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ दीज थिंग्स. सो तो वो हायर गोल्स बनाने के लिए जीवन में समर्थ नहीं होते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई होती है. देन कम्स द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. मोटिवेशन की इन्हें प्रॉब्लम है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में अपने पिछली स्लाइड्स में. देन दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस लैक करते हैं क्योंकि किसी भी कार्य को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो जब दूसरों को देखते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस. लैकिंग इन फॉर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट, बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो एक फ्रेंड्स बनाता है अपने, पहले उसका पीयर ग्रुप होता है आस पड़ोस में, जहाँ नेबरहुड में फ्रेंड्स बनाता है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाता है. मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैपेंस विद फ्रेंड्स. उसका प्ले उसी के साथ होता है. तो दीज काइंड ऑफ एक्ट्स आर लिमिटेड एंड दे लैक इन सच कैरेक्टरिस्टिक्स. सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर. समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट द, क्योंकि इनमें मोटिवेशन की कमी है और दूसरा इनको ये समझ पाने में कि नाउ हाउ डू वी यूटिलाइज द एनर्जी, जो उनके अंदर भी एनर्जी है दैट इज जस्ट इक्वलेंट टू अनदर पर्सन ऑल्सो. ये नहीं है कि वो ही इज अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है जितना कि दूसरे आम बच्चे के अंदर होगी, लेकिन फिर भी इनमें एनर्जी है, लेकिन उसको कहाँ निकालना है, कहाँ उसका सही इस्तेमाल करना है मीनिंगफुली, दैट इज नॉट नोन टू देम. तो इसकी वजह से वो अपने ही चीजों में लिप्त रहते हैं, या सेल्फ इंजर कर लेंगे खुद को, या सर पटक पटक लेंगे डेस्क के अगेंस्ट या वॉल के अगेंस्ट, या खुद को काट लेंगे. तो इस तरह का बिहेवियर इज नॉट बिकॉज दे वांट टू हर्ट देमसेल्व्स, बट इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ स्टिमुलेशन जो कि उनको चाहिए होता है, बिकॉज एनवायरमेंट इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग देम विद द राइट काइंड ऑफ स्टिमुलेशन. Then comes engage in repetitive behavior. Repetitive behavior बहुत देर तक एक ही तरह से आगे पीछे होते रहना, मतलब jerky movements में engage रहना, या सिर हिलाते रहना, या हाथ एक ही दिशा में उसको हिलाते रहना, इस तरह के कई movements हैं, या head को एक consistently एक direction में उसको shake up करते रहना. इस तरह की बहुत सी repetitive behaviors हम बच्चों में observe करते हैं. Then they are below average imagination and creative thinking, and because of their subnormal intelligence, they are actually in imagination, matlab thinking for something for the next is actually lacking in them. Or creatively kisi bhi karya ko soch pana ya innovatively karya ko soch pana is little difficult for them. So these consist the behavioral characteristics. जी, यहाँ पर हमने बहुत सारे बिहेवियर्स को यहाँ पर देख लिया कि ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो एमआर से अफेक्टेड हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं, जिसके बेस पर हम इस बात को सर्टेन कर सकते हैं कि इस पर्सन में एमआर से रिलेटेड प्रॉब्लम है. यहाँ पर एक चीज जानना और भी जरूरी है कि क्या एमआर के कुछ अलग टाइप्स हो सकते हैं जिनके टाइप्स में कैटेगराइज करके हम इस बात को समझ सकते हैं. जी हाँ, बेसिकली टाइप्स एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है. बहुत बार लोग इस चीज में परेशान रहते हैं कि इज इट क्लासिफिकेशन है, कि लेवल ऑफ रिटार्डेशन है, कि ये टाइप्स है. और आप बहुत से अगर पुस्तकों को भी रेफर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं आपको टाइप्स के अंतर्गत सेम द क्लासिफिकेशन इज मेंशन. सो इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन जो कि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या किसी के बारे में समझ पाना. लेकिन फिर भी बहुत से उसमें एक क्लिनिकल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन का रेफरल दिया गया होता है. सो दे आर द मेन क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. वी कैन डिस्कस देम इन एट लेंथ इन दिस सेशन. द मेन कॉमन क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर मोंगोलिज्म, देन क्रेटिनिज्म, माइक्रोसेफली, हाइड्रोसेफली, फिनाइल कीटोन यूरिया, amyurotic idiocy, tuberous sclerosis,
एक्सलिंक्ड मेंटल रिटार्डेशन. मंगोलिज्म. इन मंगोलिज्म देयर इज शॉर्ट, दे आर शॉर्ट इन स्टैच्यूर विथ स्मॉल राउंड हेड्स. They have abnormally short necks, slanting almond-shaped eyes, short, flat noses, deep voice, and problem in motor coordination. अगर हम मंगोलिज्म के बारे में ही हम बात करते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट ने इस चीज को अपने प्रोग्राम में पहले भी इस चीज पर बताया है कि हमारे ऐसे फ्रेंड्स जो जिनके अंदर में इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी कॉमन जो हमारे बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है. चाहे उनके आईज के शेप के बारे में बात करें या नोज के बारे में बात करें या उभरे हुआ सा शेप थोड़ा सा बल्कि दिखते हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं जिनको देख करके जिनको समझ करके हम इस बात पर सर्टेन हो सकते हैं कि हाँ इस बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम्स है. लेकिन इस प्रॉब्लम्स के बेस पर एक जो उनके टाइप्स की कैटेगराइज करना कि किस टाइप में ऐसे हमारे बच्चे आ रहे हैं उस बात को समझना भी हमारे लिए जरूरी है. खास करके जैसा कि हमने प्रोग्राम में पहले भी बताया कि ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके लिए जो एक हम प्रोग्राम बना करके जिससे कि इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. जी जी धन्यवाद. मंगोलिज्म के बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, जिसमें आता है कि दिस रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ थायराइड डेफिशिएंसी. थायराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी डेफिशिएंसी से क्रिटिनिज्म की कंडीशन होती है. तो इनके जो फीचर्स होते हैं वो ड्वार्फ लाइक होते हैं, मतलब ड्वार्फ मतलब छोटे कद में छोटे होते हैं. कोर्स और थिक स्किन होती है, बहुत ही रफ और मोटी चमड़ी के होते हैं. शॉर्ट एंड स्टबी एक्सट्रीमिटीज, मतलब एक्सट्रीमिटीज मतलब इनके हाथ पाम्स और फुट जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होते हैं आमतौर पे जितने सामान्य से कम होते हैं. और स्टबी मतलब बहुत अधिक उसमें थोड़ा मोटे होते हैं. दे हैव मोर फ्लैश, दे आर मोर चबी. देन दे हैव अबंडेंट हेयर्स. अबंडेंट हेयर्स मतलब उनके शरीर पे बाल सामान्य से अधिक होते हैं. फ्लैबी ईयर्स मतलब कान उनके फ्लैपी होते हैं. प्रोड्यूडिंग एब्डोमेन, पेट आगे की तरह निकला हुआ होता है. एंड दे फेल्योर टू मैच्योर सेक्सुअली, और सेक्सुअली ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं. क्रिटिनिज्म के यदि देखा जाए तो क्रिटिनिज्म बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यदि सही समय पर हम उसको उसकी जांच हो जाए और ये डायग्नोज हो जाए कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम क्रिटिनिज्म, द अर्लियर द बेटर. तो इसमें यदि सही प्रकार से डाइट कंट्रोल हो या थायराइड के इंजेक्शंस या मेडिसिनल सप्लीमेंट्स दिए जाएं तो इसको काफी कंट्रोल किया जा सकता है. देन कम्स माइक्रोसेफली. माइक्रोसेफली के अंतर्गत जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया स्मॉल हेड, दैट इज फेलियर ऑफ द क्रेनियम टू अटेन नॉर्मल साइज. क्रेनियम जो होता है वो अपना नॉर्मल साइज जो होता है उसको अटेन करने में समर्थ नहीं हो पाता है, जिसका रिजल्ट होता है माइक्रोसेफली और इसके आधार पे मेंटल रिटार्डेशन होता है. इसमें जो हेड की सरकमफ्रेंस होती है वो 17 इंच से अधिक हो पाना बहुत ही कठिन होती है. 17 और नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स के जो हेड सरकमफ्रेंस होती है वो 22 इंच ही होती है और इनकी 17 तक भी पहुंच पाना थोड़ा कठिन होता है. स्ट्रेचर इनका शॉर्ट होता है और कोन शेप्ड स्कल होता है. मतलब आप देखते ही फीचर्स में समझ जाते हैं कि बच्चे का सिर छोटा है और वो अलग ही दिखाई देता है. हाइड्रोसेफली. हाइड्रो मतलब सिर बड़ा होता है. सिर बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद द क्रेनियम. क्रेनियम के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है जो हमारे सिर के आसपास क्रेनियम के आसपास होता है, लेकिन ये एक अधिक मात्रा में जब होता है उसकी वजह से जो बालक का सिर है वो जितना नॉर्मल होता है उससे अधिक बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें वेंट्रिकल्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं. और हाइड्रोसेफेली का यदि समय पर उसको देख लिया जाए, उसके लिए डायग्नोसिस हो जाए तो स्टंट लगा के उसको कंट्रोल किया जा सकता है. ये डिपेंड करता है कि किस उम्र में उसको स्क्रीन आउट किया गया है और प्रॉपर इंटरवेंशन मिलने के आधार पर.
माइक्रोसेफेली के लिए हम अधिकतर देखते हैं कि उसका कोई ऐसा अभी तक मेडिकल मेडिसिनल वो लेके या थेरेपीज करके या कोई सर्जरी करके उसका कोई उपचार अभी तक समक्ष नहीं आ पाया है. फिनाइल कीटोन्यूरिया और PKU जेनेटिक बेस, दिस हैज अ जेनेटिक बेस एंड इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ रिसेसिव जीन कैरिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हम पहले भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमने पहले भी बात किया था. तो उसमें ही हमने देखा कि ये इसका बेस जो होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया का, ये एक जेनेटिक बेस होता है और ये एक रिसेसिव जीन. देयर इज अ डोमिनेंट जीन एंड देयर इज अ रिसेसिव जीन. रिसेसिव जीन में क्या होता है कि फीचर्स डोमिनेंटली शो नहीं करते हैं लेकिन वो कैरियर होता है, और डोमिनेंट जीन में फीचर्स शो करते हैं और उसके अंदर वो गुण होते हैं. हालांकि दिस इज अ कैरियर. ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन. इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि फिनाइल एलानिन करके एक अमीनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन अमीनो एसिड होता है, उसकी अधिकता हो जाती है. वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जो कि उसको ब्रेक करता है और उसको एक सही प्रोपोर्शन में रखता है. बट हियर व्हाट हैपेंस इज द बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट एंजाइम फिनाइल एलानिन ब्रेक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अधिकता में पाया जाता है, जिसके कारण जितना भी डैमेज होता है वो मस्तिष्क को पहुंचता है फिनाइल एलानिन की अधिकता के कारण. और इसमें जो मेन फीचर्स हैं वो देखे जाते हैं वॉमिटिंग या इन्फिनिट एक्जिमा या मतलब स्किन में खराशें या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सीजर्स, फिट्स आते हैं, मोटर इनकोऑर्डिनेशन होता है, ठीक प्रकार से चलने फिरने में इसमें समस्या आ सकती है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में समस्या आ सकती है. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दिस कैन बी ट्रीटेड. इसको ट्रीट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है यदि समय पर इसका ज्ञान इंटरव्यू कर दिया जाए. तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट जो बता रही हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिनको कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ऐसे बच्चों के लिए प्रोग्राम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. यहाँ पर खास करके इस पॉइंट को जहाँ पर इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा एक कहें कि पॉजिटिव इफेक्ट के साथ में है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं जहाँ पर कि उनको क्लिनिकली या मेडिकल टर्म्स में उसको एक कहें कि उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है. और इसलिए ऐसे केसेस को समझ करके यहाँ पर जो हम टाइप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इसीलिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के केसेस को समझ करके उसको सॉल्यूशन उसका फाइंड किया जा सकता है. निश्चित रूप से अगर हम इस तरह के सॉल्यूशन को लेट आर अर्लियर बेहतर तो हो कि जितना अर्ली हो जाए, लेकिन अगर जब भी है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड करके कम से कम इस तरह की प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और ऐसे बच्चों के लिए एक ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है. जी, ये बिल्कुल सही है. जैसे हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले भी बताया कि क्लासिफिकेशन शुड बी फॉर हेल्दी रीजंस. इसी प्रकार से टाइप्स, हम वेरियस टाइप्स उनके फीचर्स डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन इसका जो सही इस्तेमाल है वो उनके लिए बेटर प्रोग्रामिंग और बेटर इंटरवेंशन के लिए है. और डेफिनेटली इन चीजों को हमें आगे के उनके लिए कैसे और बेहतर चीजों को किया जाए तो रिसर्च का भी बेस होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं समझ पाना संभव होगा कि इसके लिए क्या बेस्ट इंटरवेंशन पॉलिसी है, क्या है फैक्टर क्या है, उसको समझना बहुत ज्यादा बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा. देन देयर इज एमियोरेटिक इडियोसी. ये एक दिस इज अ रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म. ये फिर से मेटाबॉलिज्म से ही जुड़ा हुआ है और एक रेयर कंडीशन है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है. इसके अंदर बच्चे में मस्कुलर वीकनेस, मतलब मसल्स की वीकनेस डेवलप हो जाती है और वो अपना नॉर्मल पोस्चर, हम इरेक्ट बैठ पाते हैं क्योंकि हमें एक सपोर्ट मिला हुआ है हमारे हड्डियों का, ढांचों का और मसल्स का सपोर्ट है. सो वी आर एबल टू सिट इरेक्ट, वी आर एबल टू वॉक, डू ऑल द वर्क्स. बट हियर बिकॉज ऑफ द मसल वीकनेस जो एक नॉर्मल पोस्चर होता है उसको मेंटेन करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है. लॉस ऑफ एबिलिटी टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको पकड़ने के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए मसल्स में दैट इज लेस. विजुअल डिफिकल्टीज होती हैं विच लीडिंग टू प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस. विजुअल डिफिकल्टीज होती हैं जो कि आगे चल के ब्लाइंडनेस में परिवर्तित हो जाती हैं. फिट्स, इनको भी फिट्स का प्रॉब्लम इनके साथ भी देखा गया है.
ये बेसिकली दो प्रकार की होती है और ये बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक इनका जीवन काल नहीं होता है। एक तो एम्यूरेटिक इडियोसी होती है इन्फेंटाइल स्टेज में और एक होती है जुवेनाइल स्टेज में। तो जो इन्फेंटाइल होती है वो 6 महीने तक उसके लक्षण समझ में आने लगते हैं और 2 या 3 वर्ष तक बच्चा डेथ हो जाती है बच्चे की, वो उससे अधिक जीवन नहीं जी पाता है। और जो जुवेनाइल है वो 6 से 7 वर्ष तक हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो उनका जीवन का स्पैन होता है वो 13 इयर्स तक जाता है। तो बहुत ज्यादा अधिक जीवन स्पैन लाइफ स्पैन इसमें नहीं देखा गया है और इसीलिए इट इज कॉल्ड अ वेरी रेयर फैट मेटाबॉलिज्म बोला जाता है इसको। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, दिस इज अनादर क्लिनिकल टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके अंदर स्मॉल स्किन डिस्कलरेशन होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी पाई जाती है। ये एक रेयर डिसऑर्डर है लेकिन माना जाता है कि 0.5% ऑफ पर्संस विद मेंटल रिटार्डेशन आर अफेक्टेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। क्रोम फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या एक्स लिंक्ड सिंड्रोम जो डिसऑर्डर हमने देखा वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसमें भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, मोर कॉमन इन मेल्स। ये जो है ये मेल्स में फीमेल्स की तुलना में मेल्स में अधिक पाया जाता है। बिफोर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अटेन करने से पहले अफेक्टेड चिल्ड्रन लुक क्वाइट नॉर्मल। तो जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो काफी नॉर्मल दिखते हैं एक्सेप्ट फॉर सिम्टम्स ऑफ रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, शॉर्ट अटेंशन। जब तक वो प्यूबर्टी मतलब जब तक उनमें एडोलेसेंस स्टार्ट नहीं होता है, एडोलेसेंस की शुरुआत नहीं होती है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक बच्चों में डेवलप नहीं हुए होते हैं तब तक आप बच्चों को इन बच्चों को अलग नहीं समझ पाएंगे। इनमें दे आर क्वाइट नॉर्मल, दे आर क्वाइट लुक वाइज दे आर क्वाइट नॉर्मल एंड वन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। द ओनली प्रॉब्लम एट दैट सिचुएशन इज ऑल्सो थोड़ा रेस्टलेस होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, ऑन सीट बिहेवियर बहुत कम होगा और अटेंशन स्पैन काफी कम होता है। मतलब किसी भी चीज को थोड़े समय के लिए ही उस पे हो सकते हैं, लंबे अरसे तक किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके उस एक्टिविटी को कर पाना इनके लिए कठिन होता है। लेकिन जैसे इनमें प्यूबर्टी डेवलप होती है उसके बाद इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होने के पश्चात इनमें मार्क्ड चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। जैसे इनका फेस ओब्लोंग फेस होता है, ओब्लोंग मतलब थोड़ा सा रेक्टेंगुलर या मतलब स्क्वायर शेप्ड फेस कह लीजिए वो होता है। देन प्रोमिनेंट ईयर्स, ईयर्स शरीर की तुलना में ईयर्स काफी प्रोमिनेंट रहते हैं और जॉज भी काफी प्रोमिनेंट होते हैं। तो इस प्रकार से दीज आर द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम इन डेप्थ यहाँ पर पढ़े। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम अटैच होता है उसका एक पार्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन दैट दे आर सडन जेनेटिक चेंजेस विच हैपन इन द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, उसकी वजह से वो उसका पार्ट लगभग ब्रेक कर जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हमने पहले जिक्र किया था डाउन सिंड्रोम का, दैट इज अगेन अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, उसमें 21st क्रोमोसोम हो जाता है। सो इन दिस वे वी एक्चुअली सॉ हाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर हमने देखा अपने पूरे प्रोग्राम में कि डिफरेंट टाइप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से इनको हम एक क्लासिफाई कर सकते हैं जिससे कि इनके लिए एक बेहतर प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक एक ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के बिल्कुल खत्म होते ही समय हम एक बार चाहेंगे कि आप हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें स्पेशली इस फील्ड में काम करने वालों के लिए। ऑफकोर्स मेंटल रिटार्डेशन अभी बहुत डिटेल में हमने समझा लेकिन एक चीज की जो जरूरत है वो है हमारे लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। एक तो इन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना बहुत अधिक आवश्यक है जिसके लिए जितना अधिक स्पेशल एडुकेटर्स का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही बढ़ जाती हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए यही एक जरिया है।
तो अपनी ट्रेनिंग को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल हम बाहर ला सकें। पोटेंशियल ना ही केवल शैक्षिक क्षेत्र में हो, बल्कि यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पा रहे तो दूसरे क्षेत्रों में भी वो अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज एक एग्जाम्पल कोट किया, उन चीजों को लेके आना और सोच को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि हमने 6 महीने का प्रोग्राम बनाया या स्कूल के लिए ये मेरी क्लास का प्रोग्राम है। इस तरह की प्रोग्रामिंग ना करके एक लॉन्ग फार साइटेडनेस होनी चाहिए। आगे 10 वर्ष बाद या ये बच्चा जब एडोलेसेंट होगा और बड़ा होगा तो मैं इस बच्चे को कहाँ देखना चाहता हूँ, वो सोच होनी चाहिए उनकी प्लानिंग में, जिसके लिए शुरुआत से ही उसके लिए हमें स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम एवरी लेवल। और ये सोचना कि वो कार्य नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं साबित होता, क्योंकि सही प्रकार की ट्रेनिंग, सही प्रकार का शिक्षण उनको देने के बाद दे कैन लीड अ लाइफ एज नॉर्मल एज एनी अदर पर्सन एंड इंडिपेंडेंटली विद सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी। जी, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग विजन लेने की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम बनाते समय हमको एक लॉन्ग विजन लेकर के चलना होगा इसके लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट हमको आपको इस बात के लिए सजेस्ट कर रही हैं कि हम टेक्निकल टर्म्स को जितना समझते हैं वो जितनी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। आप इस फील्ड में काम करने वाले हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले वर्षों में लगातार आप सीखते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक विजन बना करके चलें। जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने कहा कि आफ्टर फ्यू इयर्स आप उनको कहां पर देखना चाहते हैं और किस सिचुएशन पर देखना चाहते हैं, वे किसी दूसरे की मदद लेते रहें उस तरह के फॉर्म में या इससे बेहतर ढंग से कि वो खुद किसी दूसरे के लिए एक मददगार स्टिक के रूप में सामने आए। इसलिए हमारे लिए बात जानना बहुत जरूरी है और इस चर्चा के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी परिचर्चा में हमारे साथ में सहयोग दिया। अब चलते हैं, आप विदा लेते हैं।